नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जासूसी कांड में बेदाग निकले इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाभी नारायणन को न्याय मिल गया है। केरल सरकार ने उनके खिलाफ हुई ज्यादती को लेकर उन्हें 1,30,00,000 रुपए की मुआवजा राशि दे दी है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने नारायणन को राशि के भुगतान की पुष्टि की। केरल सरकार द्वारा मुआवजे की राशि का चेक स्वीकार करते हुए नाभी नारायणन ने कहा कि मैं खुश हूँ, ये मेरे द्वारा लड़ी गई लड़ाई केवल धन के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई अन्याय के खिलाफ थी। राज्य पुलिस ने उन्हें इस मामले में फंसाया था। बता दें कि पिछले साल दिसंबर महीने में केरल मंत्रिमंडल ने पूर्व इसरो वैज्ञानिक को 1,30,00,000 रुपए का मुआवजा देने की मंजूरी दे दी थी। जासूसी के आरोप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए गए इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाभी नारायणन को 2019 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस केस में वैज्ञानिक एस नाभी नारायणन को केरल पुलिस द्वारा बेवजह गिरफ्तार किया गया था, उन्हें परेशान किया गया और मानसिक प्रताड़ना दी गई। शीर्ष अदालत ने इसरो वैज्ञानिक को 50,00,000 रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। कोर्ट ने ये भी कहा था कि नाभी नारायणन इससे ज्यादा के हकदार हैं और वो उचित मुआवजे के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उन्हें अलग से 10,00,000 रुपए का मुआवजा सौंपे जाने की सिफारिश की थी। ये सब 30 नवंबर 1994 को हुआ। 53 वर्षीय नाभी नारायणन उस वक्त इसरो के क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के लिए वो रूस से तकनीक ले रहे थे। उन पर जासूसी के झूठे मामले में आरोप लगाया गया कि नारायणन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित कुछ बेहद गोपनीय दस्तावेज विदेशी देशों को हस्तांतरित करने में शामिल हैं। कहा जाता है कि ये प्रकरण राजनीतिक खींचतान का नतीजा था। अगले कुछ महीनों में नारायण की प्रतिष्ठा और इज्जत जैसे टुकड़ों में बिखर गई। नारायणन को उस गुनाह के लिए सजा और जिल्लत झेलनी पड़ी जो कभी हुई ही नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।